आज के टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए थ्री मेथड बताएंगे आपको। पहला मेथड, अगर आपके पास स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। दूसरा मेथड, अगर आपको फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा। तो पहला हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर दे दिया रहेगा तो उस समय हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हाइब्रिड और वाइट में ज्यादा सही होता है। पहला फॉर्मूला है मेथड नंबर वन बताएंगे हम लोग। मेथड नंबर वन, क्विक स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज गिवन। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा। तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइट, नंबर ऑफ हाइब्रिड और बाइटल। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और बाइटल बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दोनों ऐड कर देंगे और निकाल आएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड और बाइटल। कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड और बाइटल हमारा 2 आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे sp। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल 3 आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग sp2। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल अगर 4 आ जाता है इसको हम लोग लिखेंगे sp3। अगर 5 मिलेगा इसको हम लोग लिखेंगे sp3d। अगर 6 आता है इसको हम लोग लिखते हैं sp3d2। अगर 7 आएगा इसको लिखेंगे हम लोग sp3d3। पहले हम लोग क्वेश्चन पे बताए थे, पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बताए जा रहे हैं जैसे CH, यहाँ पे भी H, यहाँ बोलेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2, 3, 4, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड और बाइटल इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड हो गया 4। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है तो 0, मतलब 4 + 0 हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है बोलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कैसे, किसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल है, 1 सिग्मा डबल में 1 सिग्मा कर रहा था ना, 1 पाई कर रहा था, पाई बॉन्ड को ही काम करेंगे हम लोग, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा लोन पेयर नहीं है मतलब 3 + 0 होती, तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका sp2। यहाँ क्या जाइए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 3 के लिए हो गया हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2। अगर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे नाइट्रोजन है, इसके तीन तरफ हाइड्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर, बोलेगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं हम लोग sp3। इधर क्वेश्चन लेते हैं, इससे बात करने जा रहे हैं हम लोग Cl, इसके पास बोलेगा फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड करेंगे 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 5 के लिए हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और क्वेश्चन लगाते हैं जैसे CC ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी एच है, इधर भी एच है, बताइए किस कार्बन का इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा कहलाता है और 2 पाई बॉन्ड कहलाता है, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ पे हुआ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन में लगेंगे sp, अगर 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d और 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है sp3d3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सी
डबल बॉन्ड सी एच 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 एच। बताइए इस कार्बन में कितना बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन है, जब इसमें बताते हैं हम सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन, तीन पे जो क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू। यहाँ पे बात करते हैं डबल में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई स्टार्ट, यहाँ पे हो गया एसपी टू। ऐसे बात करना है सिग्मा दो, दो के लिए हो गया आपके लिए एसपी, यहाँ पे बात करो एक दो तीन, तीन के लिए हो गया आपका एसपी टू। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इसके बारे में सी डबल वन सी डबल वन सी सी एच एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालो हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सिंपल हो गया, यहाँ एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तीन सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, यहाँ पे बात करेंगे एक सिग्मा दो सिग्मा मतलब इस कार्बन में एक सिग्मा दो सिग्मा तीन, तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, यहाँ पे बात करो एक सिग्मा दो सिग्मा एक इधर, तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, यहाँ पे एक सिग्मा दो सिग्मा तीन, तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, एक सिग्मा दो सिग्मा और एक इधर, यहाँ पे और हाइड्रोजन होगा चार सिग्मा चार के लिए यहाँ हाइड्रोजन आपका एसपी थ्री। एक बार छोटा ठीक है, अगर आपको जहाँ पे कार्बन दिख जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है एसपी थ्री, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका एसपी टू, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका एसपी। अब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमारा सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे एच, कैसे बताओगे बता इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका एसपी टू, इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका एसपी टू, इस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका एसपी, इस कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका एसपी। पूछे कि बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत सिंपल है, तो हर कार्बन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे भी है, सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी टू, यहाँ पे भी एसपी टू, यहाँ पे भी हो गया एसपी टू, यहाँ भी हो गया एसपी टू, यहाँ पे भी हो गया एसपी टू, यहाँ पे भी हो गया आपका एसपी टू। नेक्स्ट है जैसे ऑक्सीजन सी सी ओ सी एच, इसका निकालना है वैसे कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, आंख बंद करके एसपी थ्री, तो यहाँ पे भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी थ्री होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर दो है, तो दो तो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा एसपी थ्री। चलिए कुछ देगा कि इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा होना है एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा और एक लोन पेयर चार, चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखते हैं एसपी थ्री। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, तभी शॉर्टकट ठीक बताया हम लोग, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दी जाए कार्बन के लिए तो वहाँ आप लिख दीजिए एस पी थ्री, जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे एस पी टू, डबल बॉन्ड एस पी टू, डबल सिंगल बॉन्ड एस पी थ्री, डबल बॉन्ड एस पी टू, डबल बॉन्ड एस पी टू। तो मेथड नंबर हम लोग टू, मेथड नंबर टू में कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वही फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर दो आता है तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा एसपी, और
अगर तीन आता है तो हाइब्रिडेशन लिखेंगे हम लोग एस पी टू, चार रहेगा तो हम लोग हाइब्रिडेशन लिखेंगे एस पी थ्री, पाँच आता है तो हाइब्रिडेशन हम लोग लिखेंगे एस पी थ्री डी, अगर छः आता है तो हाइब्रिडेशन लिखेंगे हम लोग एस पी थ्री डी टू, अगर सात आता है तो हाइब्रिडेशन लिखेंगे हम लोग एस पी थ्री डी थ्री। तो अगर इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन सिंपल है कि अगर क्वेश्चन दे दिया ए सी ओ फोर, इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, बुझ गया कि सेंटीमीटर का हाइब्रिडेशन निकाल लिया, कैसे निकालो हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन टू जीरो टू जीरो टू ए देन डिवाइडेड बाय टू, दूसरा रूल एक टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन 9 to 56 दे डिवाइडेड बाय 8, तीसरा इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवर द 56 दे डिवाइडेड बाय 80। यही बोला सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका जीरो से एट रहेगा तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा टू से, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 से 56 के बीच में रहेगा तो उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से ज्यादा रहेगा तो उससे डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से। जैसे ही पहला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहला है जेनन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 into 4 8 + 24 हो गया आपका 32। अब 32 आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 32 जो है किसके बीच में लाइक कर रहा है, 9 से 56 के बीच में लाइक कर रहा है, और 9 से 56 के बीच में लाइक कर रहा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं इसको 8 से तो 8 × 32 कट गया। ये जो चार आया है इस फोर को बोलते हैं लोग सिग्मा बोन आया चार, मतलब इसके पास सिग्मा बोन की संख्या हो गई 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, जिसे क्वेश्चन हो गया xef2, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जेनन क्या होता है 8 प्लस फ्लोरिन क्या होता है 7 8 2 2, तो 8 + 14 एड कीजिए इसमें 22 आएगा, 22 किस में आता है 9 से 56 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 22, तो 22 आ गया हमारा, तो 22 है इसको डिवाइड कर, तो 22 आ गया कैसे हमारा 8 × 16 6, अब 6 आ गया 6 को भाग देंगे 2 से तो 6 कट गया, मतलब ये 2 आया इसको बोलेंगे लोग सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 आके इसको बोलेंगे तो लोन एयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के ऐड कीजिए 3 × 2 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3d3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं h2so4, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेकंड का हाइब्रिडाइजेशन करना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 6 × 4
तो 2 प्लस 6 प्लस इधर की 24 एक कीजिए इसको तो आएगा हमारा 32 और 32 किसके बीच में लाई कर रहा है 9 से 56 के बीच में 9 से 56 के बीच में लाई करेगा तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से 8 चूंकि 32 कट गया 4 आया सिग्मा बोन मतलब सिग्मा बोन इसमें 4 है इसके पास लोन रुपया नहीं है सेकंड स्टेज में जो आता है उसको लोन पे करते हैं तो 4 है सिग्मा बोन सिग्मा बोन के लिए 4 की एप्लीकेशन होगी एसपी 3 दो क्वेश्चन हमारे पास H3 CO 4 पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हाइड्रोजन को तो 1 × 3 प्लस फास्फोरस का 5 ऑक्सीजन का 6 × 4 तो 3 प्लस 5 6 × 24 इसको एड कीजिए आएगा हमारा 32 और वो हम भाग देंगे 8 से 8 × 32 और आया सिग्मा बॉन्ड हमारा लोन पेयर नहीं इसके पास और सिग्मा बॉन्ड के लिए आया आगे एग्रेशन एसपी 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे HCl4 इसका एग्रेशन निकालना है कैसे निकालोगे इसका एग्रेशन तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 फ्लोरीन का होता है 7 7 × 4 इसका हो गया 8 प्लस 7 सच्चों का 28 आंसर 16 3 32 है अब 32 9 से 56 के बीच में है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से 8 × 32 आया हमारा 4 ये 4 बच गया 4 किसके बीच में आ रहा है 0 से 8 के बीच में अब 0 से 8 के बीच में आता है इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से 2 दूनी 4 मतलब तो आ गया सिग्मा बोन की संख्या हो गया आपका 4 लोन पेयर की संख्या हो गया 2 दोनों के एक कीजिए 4 2 6 और 6 के लिए हम ऐसे निकालते हैं लोग एस पी डी डी अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग H2HCO4 इसका एडिशन करना है सेंटर पर जाकर तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है कैसे निकालोगे हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 जेन के हो गया 8 ऑक्सीजन का हो गया 6 × 4 तो हो गया 2 8 = 24 ये कीजिए 8 × 4 = 12 14 इसको भागा देना हमको और मतलब 9 से 56 के बीच में लेगा 8 से भागा देना 8 × 32 आया 2 फिर 2 0 से 1 के बीच में लेगा 0 से 1 के बीच में 2 इसको भागा देना 2 से 2 एक बार कटी है मतलब ये हो गया सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर हो गया आपका 1 4 + 1 कितना हो गया 5 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SOCl2 इसका पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नहीं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का हो गया आपका 6 इसका भी 6 इसका होगा 7 × 2 तो 6 + 6 = 12 14 6 मतलब इतना आ गया तो 36 आया मतलब 0 से 56 के बीच में इसकी डिवाइड करना हम लोग ऐसे 8 × 32 कितना आएगा हमारा 4 फिर 4 किसके बीच में लाएगा 0 से 8 के बीच में 0 से 8 के बीच में लाएगा तो इसको डिवाइड करना 2 से 2 × 4 ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के 8 के लिए 6 6 के लिए हो गया हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 अब क्वेश्चन हमारा HClO4 इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे और सिंपल पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन का 1 इसका हो गया 7 इसका हुआ 6 × 4 ऐड कीजिए 8 × 6 = 24 12 हो गया आपका 32 32 रहेगा किससे भागा देना है बात करना है 8 से 8 × 32 32 4 किया है आपका हाइड्रोजन sp3 और क्वेश्चन देखिए हम लोग HCl कैसे निकालोगे इसके तुम्हारे
बहुत सिंपल, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वन, इसका ओके से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 प्लस से 1 हो गया आपका 8, 8 को भाग देना 2 से, 2 चुकी 8, 4 के लिए आ गया आपका रोटेशन sp3। बहुत कुछ है सिंपल है, वैलेंस निकालना क्या करना है, दो चीजें करना है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों के ऐड करने के बाद जो आता है, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग sp, अगर 3 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग sp2, अगर 4 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3, अगर 5 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे sp3d, अगर 6 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग sp3d2, अगर 7 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग sp3d3। उसी तरह हम निकाल लेंगे, दो मेथड बता चुके हैं, अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा तो उस समय डिफिकल्ट होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे और लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे। उसी तरह ट्रिक बताएं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 0 से 8 के बीच में रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, अगर 9 से लेकर 56 के बीच में रहेगा तो डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से, और 56 से ज्यादा रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग 18 से।